हेलो फ्रेंड्स वाइक इलेक्ट्रिकल की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आज हमारे पास एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है जो कि 50 वाट का है, जो हमारे पास भेजा है लोम सोलर ने। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इसके अंदर क्या कुछ फीचर है इसके और हमें क्यों 50 वाट का ही सोलर पैनल मतलब परचेज करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, और मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या कुछ डिफरेंस है, हमें पॉलीक्रिस्टलाइन परचेज करना चाहिए या फिर मोनोक्रिस्टलाइन परचेज करना चाहिए, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो। और मैं इस वीडियो में आपको इसकी मल्टीमीटर की सहायता से इसकी टेस्टिंग वगैरह करके दिखाऊंगा कि टेस्टिंग बहुत ही जरूरी होती है। अगर मान लो आप इसको परचेज कर रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग में इसका जो ओपन सर्किट टेस्टिंग होता है उसको करके आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो इसकी पैकिंग वगैरह है, बहुत ही जबरदस्त पैकिंग है, आप देख सकते हैं ये पॉलिथीन। मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉलिथीन बबल्स वाला पॉलिथीन है और अच्छे से टेपिंग वगैरह की हुई है, और ये इसके पीछे इसका बिल वगैरह है और यहाँ पे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि कार्ड इसके ऊपर चिपका हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसका पॉलिथीन उतार लेते हैं। इन्होंने पॉलिथीन भी बहुत ही जबरदस्त लगा रखा है। फ्रेंड्स अगर ये कहीं आप मंगवा रहे हैं तो मंगवाने के बाद आपको अगर ये लगा कि ये टूट जाएगा रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पैकिंग बहुत ही जबरदस्त की हुई है इन्होंने, और ऊपर ये लिखा हुआ भी है कि ग्लास वगैरह है, जिसके अंदर जो डिलीवरी वाला होगा या फिर जो कोरियर वाला होगा इसको आराम से लेके आएगा इसको, ठीक है। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही हार्ड है जो कि कैंची से भी। तो हमने इसका पॉलिथीन अभी ओपन कर लिया है, अभी आप ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की देख सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सोलर पैनल 50 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है, और एक नंबर यानी कि इसके अंदर एक ही पैनल है, जो कि इसके अंदर जो इसका वेट है 3.5 kg के आसपास वेट है इसका, और ये इसका कुछ इल्यूमिनेशन डायमेंशन है, इसकी कितनी डायमेंशन वगैरह है, इसका ये प्राइस है, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, फरवरी 2019 में, ठीक है। चलो इसको हम इस बॉक्स से निकालते हैं अभी। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये हमने इसको ओपन कर लिया अभी। तो फ्रेंड्स अभी आप ये देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से का देखने को मिलेगा। तो ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है फ्रेंड्स, मैं आपको मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के दो जो बेसिक हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मोनोक्रिस्टलाइन है, तो उसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसका जो ये ऊपर का ग्लास होगा जो देखने को मिलेगा ये ब्लैक कलर का होगा, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं पूरा ये जितने भी सेल इनके ब्लैक कलर के हैं। दूसरा फ्रेंड्स ये अगर ये जैसे कि ये सेल है उसके चारों कोनों पर ये कट ऐसे कट मिलेगा, चौरस मतलब एक जैसे ये कि ये सेल है ऐसे नहीं मिलेगा, अगर वो वैसे बिल्कुल चौरस है तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, और ब्लू कलर का है तो पॉलीक्रिस्टलाइन है। लेकिन ये जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसके अंदर एक तो सबसे पहले ये कलर इसका ब्लैक कलर होगा, और जो एक सेल होगा उसके कोनों पे ये कट लगा हुआ होगा, सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है मोनोक्रिस्टलाइन की। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं, इसकी जो इसका ग्लास है बहुत ही अच्छा ग्लास है, टफन ग्लास है इसका, अल्ट्रा क्लियर टफन ग्लास बोलते हैं इसको, और जो इसकी बाहर की जो फिटिंग्स है फ्रेंड्स वो एल्यूमिनियम की फिटिंग है, जो कि बहुत ही जबरदस्त फिटिंग करने के लिए है। यहाँ पे आपको इसको फिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको होल भी मिल जाएंगे चारों साइड, आप इसको फिट कर सकते हैं। तो फ्रंट में इसको यही है, इसका एक लोगो भी है कंपनी का लूम सोलर का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक लूम सोलर का आपको कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार कोड है। फ्रेंड्स बार कोड से क्या होगा, आप
इससे इस बार कोड से पता लग जाएगा कि ये कब मैन्युफैक्चर किया हुआ है, इसी से आपको वारंटी वगैरह मिल जाएगी। इसको स्कैन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप ये कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब तक इसकी वारंटी है। इसकी वारंटी पीरियड फ्रेंड्स आपको जो इसका वारंटी कार्ड है पीछे से मैं इसको अंदर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपने सामने इसका देख ही लिया कि कैसे इसका सामने का फ्रंट है। तो अभी हम आते हैं बैक साइड। बैक साइड फ्रेंड्स ये कुछ एक पेपर वर्क है, इसके अंदर इसकी टेस्टिंग वगैरह की हुई थी जो कंपनी में होता है, टेस्टिंग करते हैं इसकी ओपन सर्किट में और फुल लोड में। तो ये इसका ओपन सर्किट का जो टेस्टिंग का चार्ट है, इन्होंने आप देख सकते हैं ये ग्राफ है और ये इनका जो टेस्टिंग है उसका है। और यहाँ पे कंपनी का एक स्टिकर लगा हुआ है लूम सोलर। और ये टर्मिनल ब्लॉक है, नेगेटिव इस साइड वाला है और पॉजिटिव इस साइड वाला है। और एक ये डायरी दी हुई इन्होंने लूम सोलर जो कि वारंटी कार्ड है। तो वारंटी कार्ड एक ये भर के रखना है आपको, या फिर आप रखे या ना रखे वो आपको बार कोड से भी स्कैन होके पता लग जाएगा। ठीक है, ये वारंटी कार्ड हो गया फ्रेंड्स। इसकी वारंटी है 25 साल की, 25 साल तक इस पैनल में कोई भी गड़बड़ होती है तो ये ठीक उसको करके देंगे, उसकी वारंटी है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको स्टिकर मिल जाता है पैनल के पीछे, मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी। तो इसकी मैक्सिमम पावर जो है फ्रेंड्स वो 50 वाट की है और जो वोल्टेज है फ्रेंड्स वो 19.95 है, यानी कि जब हम यूज कर रहे हैं इसको तो 19.95 वोल्टेज देगा ये। ठीक है, और इसकी जो करंट रेटिंग है फ्रेंड्स वो है 2.51 और जो इसकी शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग है वो है 2.63 एम्पियर। और जो इसका ओपन सर्किट जैसे कि अभी ओपन है कुछ नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पे, तो इसकी वोल्टेज होगी 23.26 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि लूम सोलर की अपनी कंपनी के हिसाब से इन्होंने एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर लगा रखा है। तो ये था इसका पीछे का। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। पॉलीक्रिस्टलाइन में आपको देखने के लिए पता लगी गया कि एक तो ब्लैक कलर का होगा और ये कॉर्नर पे इनका कटा होगा। ठीक है, और इसके मोनोक्रिस्टलाइन को खरीदने का एक यही बेनिफिट है कि एक तो ये जो क्लाउडी वेदर होता है, जैसे कि हमारे पास कई बार क्या होता है बादल छाए होते हैं, बादल छाए होने की वजह से वहां पे भी ये अच्छी इफिशियंसी देगा कंपैरिजन मोनो पॉलीक्रिस्टलाइन के। जहां पे पॉलीक्रिस्टलाइन लगा हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन कैसा इफिशियंसी देता है बादल की सीजन में या फिर क्लाउडी वेदर में। तो वहां पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्लाउडी वेदर है तो वहां पे ये जैसे कि इसकी 23 वोल्टेज है तो ये 20 या फिर 19 के आसपास वोल्टेज दे देगा। ठीक है, तो इसका एक ये मोनोक्रिस्टलाइन का ये भी बेनिफिट है। और फ्रेंड्स अपने जब बाय करने जाएंगे इसको तो आपको ये मार्केट में आपको दो टाइप के पैनल मिलेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन। तो आपको जो पॉली वाला है वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा क्योंकि जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर जो एफिशिएंसी है इसकी वोल्टेज की या फिर करंट की जो भी है वो अच्छी है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि हमें 50 वाट का ही सोलर पैनल क्यों लेना चाहिए। बारी अभी आती है कि हमारे 50 वाट का पैनल ही क्यों लें। फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई शॉप है जहाँ पे हमारे पास लाइट वगैरह नहीं है तो हमें वहाँ पे एक लाइट वगैरह लगानी है तो वहाँ पे हम 50 वाट का इजीली हम उसको रख के कहीं पे दीवार के साथ में जहाँ पे धूप आती हो वहाँ पे लगा के हम उसकी लाइट को जला सकते हैं। और दूसरा हम जैसे कि हमारे पास कहीं पे लाइट की बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब लाइट ही नहीं है, वहाँ पे हम अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना है या फिर हमें कहीं पे पिकनिक वगैरह पे जाना है, कहीं पे टूर जाना है, तो वहाँ पे इसको गाड़ी के अंदर रख के इजीली आसानी से इसको लेके जा सकते हैं और अपने मोबाइल वगैरह या फिर कुछ लाइट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम इसको जैसे कि कॉलेज वगैरह होते हैं, बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं 50 वाट के पैनल को। तो ये तो थी फ्रेंड्स कि हम 50 वाट के पैनल ही क्यों लें। तो फ्रेंड्स अभी हमारी बारी आती है कि इसको हम परचेज कहाँ से करें, लास्ट में हम इसको इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी बारी आती है हमारी इसको परचेज कहाँ से करें। आप इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, ये अमेजोन पे भी इसको सेल करते हैं और इनकी खुद की वेबसाइट है लूम सोलर की, उस पे भी जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं आसानी से। इसका रेट वगैरह थोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहता है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट कभी कभी कुछ मिलता रहता है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा लूम सोलर का और अमेजोन का, वहां से आप इसको जाके चेक कर सकते हैं और वहां से इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा धूप के अंदर लेके चलते हैं और इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं कि कितनी इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज आ रही है और कितनी हमारे इसको मिल रही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार धूप में लेके चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम रेड पे लगाएंगे और नेगेटिव को हम ब्लैक कलर पे लगाएंगे। तो हमारा ये टर्मिनल लॉक है, यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ भी है नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेलेक्ट करेंगे डीसी वोल्टेज, जैसे कि जो सिंबल होता है डीसी वोल्टेज का, वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल को होगा हम रेड कलर की वायर लगाएंगे और नेगेटिव पे हम ब्लैक कलर की वायर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, हमने ये अभी इतना ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी इसके अंदर आप देख सकते हैं वोल्टेज कितना दिखा रहा है आपको, 22 वोल्टेज। प्रॉपर धूप नहीं है फिर भी ये 22 वोल्टेज, मतलब थोड़ा क्लाउडी है बट फिर भी पूरी वोल्टेज आ रही है इसके अंदर, 22 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, अगर पूरी धूप होती है, अगर इस फुल होता तो इसके अंदर पूरी वोल्टेज 23 हो जाती वोल्टेज, ये 23 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये टेस्ट किया होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 21, 22 यानी कि मैक्सिमम 22 वोल्टेज अभी मिल रही है। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि वोल्टेज कितनी मिल रही है, ये ओपन सर्किट टेस्ट है। तो फ्रेंड्स अभी बारी आती है इसकी सेफ्टी की। सेफ्टी में आपको मैंने पहले भी दिखा दिया कि इसका जो ऊपर का ग्लास होता है फ्रेंड्स, वो एक अल्ट्रा क्लियर टफन ग्लास होता है, जो कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो गाड़ी का सामने का ग्लास होता है उसके ऊपर, उसके साथ इसको देख सकते हैं आप, मैं कितना जोर जोर से मार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप काफ़ी बंदों का क्वेश्चन रहता है कि क्या इसके ऊपर कोई कंकर वगैरह या फिर बंदर वगैरह मार देंगे, तो ज़्यादा जोर से मारेंगे तो पता नहीं है, लेकिन ये हल्का कोई पत्थर होगा, टेस्टिंग वगैरह इन्होंने करके देखी हुई है, लेकिन मैं भी यहाँ पे मार के दिखा रहा हूँ आपको, कोई कुछ असर नहीं हो रहा इसका। ठीक है, तो ये आप उसका ये मन से बहम निकाल दीजिए कि ये टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिलीवरी में भी इसकी अच्छी पैकिंग करके भेजते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आप अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको लूम सोलर का लिंक मिल जाएगा और अमेजोन से भी इसको बाय कर सकते हैं, दोनों को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कैसा ये प्रोडक्ट लगा, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।